हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो BTUP का आज अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है, तो यह क्या होने वाला है, इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि हमारा जो आज का अपडेट है क्या है। दोस्तों कम्प्लीटली बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं भाई कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 का जो होने वाला है दोस्तों, क्या हमारा एग्ज़ाम डेट चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर हमारा एग्ज़ाम जो है दोस्तों, क्या अब जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होगा, ऐसा जो होगा दोस्तों, तो ये जो हमारी अपडेट आ रही है इसमें हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे भाई, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आइएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे BTUP के स्टूडेंट्स हैं, पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे पॉलीटेक्निक हमारे फोर्थ सेमेस्टर के हो और चाहे पॉलीटेक्निक सिक्स सेमेस्टर के हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को संकल्प बैच देखने को मिल जाएगा पॉलीटेक्निक सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा संकल्प बैच है, इसका जो लक्ष्य है दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर वाली डिग्री दिलाना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी पॉलीटेक्निक सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की पावर वायरिंग चलेगी, ठीक है। क्या चलेगी? EEE सेकेंड में दोस्तों पावर वायरिंग चलेगी। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम मिलेगा दोस्तों, जैसे ही अपडेट के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो संकल्प बैच है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर का, ठीक है। EEE सेकंड की बात करूँगी तो पावर वायरिंग चलेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का इसके पहले वाले जो ईयर में आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसमें हमने आप लोगों को पावर वायरिंग नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो इस बार हम आप लोगों को पावर वायरिंग दे रहे हैं दोस्तों। और मैं बात करूँ दोस्तों UEE और IMREEE, ठीक है। UEE IMREEE जो है दोस्तों, ये दोनों हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो दोनों जब सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो आप लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, अपना जो टोटल सब्जेक्ट है दोस्तों इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों पॉलीटेक्निक जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के भाई हैं, भाई आप लोगों का जो कोर्स की कंप्लीट फीस की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो केवल और केवल 99 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसमें मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को और अप्लाइड फिजिक्स को। दोस्तों हम बात करें दोस्तों अपने अप्लाइड फिजिक्स में हमने चैप्टर 3 तक डिस्कस कर रखा है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा BEE में, तो BEE में आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 6th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3 जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों अप्लाइड फिजिक्स के बारे में, मैंने बात ही कर रखा है। अब बात करेंगे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के, भाई फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ पे कोर्स चल रहा है दोस्तों। अभी आप लोगों का बहुत सारे टॉपिक्स है जो नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों का जल्द ही हर एक टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करूँगा दोस्तों, वहाँ चैप्टर 4 चलेगा। और वहाँ पर मैं बात करूँगा IEC जो है, इसमें आप लोगों का चैप्टर 3 चलेगा। और जब मैं बात करूँगा दोस्तों अपना जो है EEE फर्स्ट में भी आप लोगों से चैप्टर 2 तक डिस्कस कर लिया दोस्तों। चैप्टर 3 जो है दोस्तों बहुत ही मतलब कि पेपर वाला वर्क है, तो उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स को मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, मैथ का यहाँ पे कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बात को ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें केवल और केवल EEE सेकंड में ही प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप लोग जाके EEE सेकंड का या जो है हमारा यहाँ पे जो कोर्स है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की फीस की बात करेंगे दोस्तों, तो केवल और केवल 99 रुपये आप लोगों का EEE सेकंड का जो कंप्लीट कोर्स होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों अपने अपने BTUP के जो हमारा अभी आया हुआ जो है अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा आज का जो अपडेट है क्या है, ठीक है। चलिए हम BTUP के साइट पे चलते हैं। यहाँ पे BTUP की साइट पे आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे आज का जो अपडेट आ रहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जो हमारा सम सेमेस्टर एग्ज़ाम है, यह हमारा 2023 का जो जून में संभावित है, क्या हमारा जून में ही होगा या फिर इससे आगे भी एक्सटेंड होगा दोस्तों। तो ये कम्प्लीट हमारा है, अभी तक तो जावेद मुस्तफ़ा सर का जो ट्वीट था उसको भी हमने बताया था, लेकिन आज देख लेते हैं दोस्तों BTUP की तरफ से जो हमारी यहाँ पे जो अपडेट आ रही है ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ पे चलते हैं, और BTUP की साइट पे ही है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, पहला वाला देख रहे हैं कि सम सेमेस्टर परीक्षा जून 2023 संभावित परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नोटिस क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इस नोटिस में सिंपल से वे में ये बताई जा रही है कि यहाँ पे जो भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे कॉलेज हैं, जैसे चाहे हमारा एडेड कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, या फिर कोई और भी जो हमारे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उनमें कुछ डाटा, जैसे मान लीजिए कोई डाटा है जो कि मतलब कि मिस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसे पूरा BTUP ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो डाटा है दोस्तों, इस वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, जो वेबसाइट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वेबसाइट आप लोग ये देख रहे हैं जिसे www.btup.ac.in पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया भाई, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इसके सचिव जो हैं FR खान जो हैं, इन्हें इनके माध्यम से सारा जो है इसको अपलोड करने के लिए बोला गया है, सभी गवर्नमेंट और एडेड और हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं पॉलीटेक्निक के, उनके लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की जो हमारी यहाँ पे अभी फिलहाल जो है
5/5/2023 का जो अपडेट है दोस्तों, इसको आप लोगों को ही बताया गया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अभी एक और अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है दूसरा वाला, यहाँ पे पूछा गया सम सेमेस्टर परीक्षा जून 2023 हेतु संभावित परीक्षा कार्यक्रम। यहाँ पे ये हमें क्लियर कट में नहीं बोला जा रहा है दोस्तों कि हमें कंप्लीट हमारा संभावित मतलब कि जून में ही होगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका एग्जाम है दोस्तों जून में हमारा संभावित होने वाला था, वो जून में हमारा संभावित है, अभी ऐसा नहीं है कि इसको हम कंप्लीट कह देंगे कि हमारा हो गया नहीं फाइनल है, नहीं। इसमें यह बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है जून में संभावित है, लेकिन आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि आपका एग्जाम जो होने वाला है ये जून में नहीं होगा, जून में नहीं होगा। आपका एग्जाम जो है दोस्तों जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस लिंक पे भी चल के हम लोग आप लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें भी क्या बताया गया है। इसमें कम्प्लीटली आपका जो है यहाँ पे टोटल जो टाइम टेबल दिखाया गया है वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो एग्जाम है कम्प्लीटली आप लोगों का अभी डिसाइड नहीं है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है ये जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर हमारा जून के लास्ट वीक से जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमारा होने को हो सकता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और मैं बात करता हूँ दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के हैं, पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर एंड पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जाके अपने क्लास को अप्लीकेशन पे अपनी क्लास को इनरोल कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही मिनिमल फीस है। मैं कंप्लीट फीस की बात करूंगा दोस्तों, अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन करते हैं उनकी जो कंप्लीट कोर्स रहेगी केवल और केवल 99 रुपये में रहेगी। और वहीं जब मैं बात करूंगा दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का, तो 199 कोर्स का फीस रहेगा, सिक्स सेमेस्टर वाले जानते ही अपना, ठीक है। तो 199 रुपये में सिक्स सेमेस्टर की कोर्स मिल जाएगा। आई होप आप लोगों की सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब है, आराम से शांति से पढ़िए भाई, कोर्स को ज्वाइन करके हर एक स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं टाइम बचा हुआ है, यही एक महीने का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें आप लोग बहुत अच्छे वे में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।